तो मेरा गाना एक था चन्ना मेरिया आज मैं इस चैनल के थ्रू बोला चन्ना मेरिया वॉज इन माई वॉइस दो साल तक वो गाना मैंने देखा कि प्रीतम सर के स्टूडियो में वहीं पे है एक हफ्ते पहले तीन चार दिन पहले मुझे प्रीतम सर ने स्टूडियो बुलाया और हालांकि उन्होंने मुझसे जाहिर भी किया कि शायद रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज प्रोडक्शन को चाहिए था कि वो किसी और से गवाएं तो उन्होंने अर्जी से गवाया अगर हम फॉलोवर्स देखेंगे तो फिर फॉलोवर्स तो ऐसे बहुत सारे यूजलेस सिंगर्स हैं उनको गवाओ सारे गाने फिर जिनको सारे गामा नहीं पता जिनको सरगम नहीं पता जिनको गायकी के बारे में कुछ नहीं पता उनके स्पॉटिफाई फॉलोवर देख लो उनके उनकेबर देख लो आप तो, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देख लो काचा बदाम वाले सिंगर को आप सारे गाने के भाई गवाइए उसको सब लोग जानते हैं मुझे इतना लोग नहीं जानते कि टोन बहुत अच्छा है यार इसका इसका टोन इतना अच्छा है ना बस इसको मैं सिंगर बना दूँ तो, ऐसे थोड़ी होता है यार पाकिस्तान में भी अच्छे सिंगर हैं उनके टोन भी अच्छे हैं मैं तो बोलता हूँ बकरे की टोन भी बहुत अच्छी है उसको भी सिंगर बना दो कुछ एक है कंपोज़र्स हैं जो बाकी सब कंपोज़र्स का नाम ख़राब कर रहे हैं जैसे 80s में बपीदा ने धूमे मचा दी थी तो वैसे गाने बज रहे थे वो 10 साल अजीब ही थे मेरे हिसाब से उसमें कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि 80 और 90 के दशक के बीच में जो काम हुआ है मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट टाइम नहीं है वो जितने भी लोग बने हैं विनर्स जो है विनर्स आई थिंक कोई भी uh, ऐसा कोई बड़ा गाना नहीं गा रहे फिल्म का कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया आँखों आंखों में वो लाखों गलना कर गया ओ और अब्बा मैं तो मर गया ओ सदाई मुझे कर गया कर गया ओ और अब्बा मैं तो मर गया ओ सदाई मुझे कर गया कर गया ओ हाय गाइस दिस इज अंकिता यू आर ट्यून्ड टू बॉलीवुड बबल और मेलोडी टेल्स के दूसरे एपिसोड में आज मेरे साथ है शाहिद मालिया साहब जो मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि टीवी से आपने जो अपनी गायकी की शुरुआत करी वहां से यहां तक का इतना लंबा सफर इतना लंबा रहा कि हमें लगता है बहुत लंबा सफर हुआ आप सबसे पहले मैं आप आपका स्वागत करता हूं थैंक यू सो मच थैंक यू आपके शो में मुझे बुलाने के लिए और वो लंबा सफ़र काफ़ी वाकई लंबा सफ़र था क्योंकि आ, हमारे पास कुछ सूत्र नहीं थे कि कैसे काम करना है कैसे अप्रोच करना है चीज़ें बहुत नई थी तो यहाँ का पूरा सीनेरियो अलग था क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ राजस्थान से आता हूँ तो आ, चीज़ें समझने में ही वक्त लगा और 98 से लेकर 2011 तक का एक जर्नी था जो काफी काफी सारी स्टोरीज हैं उसमें बहुत टाइम लग जाएगा उसमें हम आपकी कहानियाँ सुनने के लिए हैं लेकिन आ, आपको अगर मैं पीछे लेकर जाऊँ आपको याद है आपका वो फर्स्ट ब्रेक क्या था आपको फर्स्ट टाइम एक था एक ना एक सिंगर को स्पॉट करने का वो टीवी में फर्स्ट टाइम वो मौका कैसे आया आपके पास हाँ जी तो उसमें आ, सीरियल्स का बड़ा दौर था डेली सोप्स तो मैं जाता था कंपोज़र्स को अप्रोच करता था तो उनके लिए इजी था कि बैकिंग वोकल्स गवाए जा सकते हैं उसमें किसी बड़े नाम की ज़रूरत नहीं होती बैकिंग वोकल्स करने के लिए किसी किसी भी सीन को इन्हेंस करने के लिए कुछ पीछे आलाप आ गए या पीछे कुछ एक दो लाइंस आ गई ज़्यादा कुछ होता नहीं था उसमें बट आलाप ही होते थे कोई रोमांस वाला सीन है तो पीछे कोई हे हे। हाँ 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 पीछे रोमांटिक कुछ आ गया आ, कुछ सैड हो गया था पीछे कुछ सैड आ गया ड्रामेटिक हो गया कुछ ये तो उसमें हमें वो गुस्सा आ देते थे लेकिन ये बहुत लंबा चला ये सीन शॉट तो बैकिंग वोकल में, में मेरा नाम इतना प्रसिद्ध हो गया जैसे किसी बड़े सिंगर का होता है तो कहते यार आलाप गवाने किसको बोला मैंने शाहिद को बुला तो जितने भी बैकिंग वोकल्स जो यानी जो बीजेम करने वाले कंपोजर्स होते थे बैकग्राउंड म्यूज़िक सीरियल्स के सब मुझे बुलाने लग गए फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि सीडी बनने लगी लग अलाप्स की तो एक बंदा होता था जो सीडी बेचता था कि इसमें शायद माले के आलाप है इसमें इसके आलाप हैं तो वो सी वो स्टॉक इकट्ठे कर करके स्टॉक म्यूज़िक बेचते थे तो मैं जब टी देखता था घर पर भी सबको बोलता था देखो मेरा आलाप आ रहा पीछे तो आलाप का तो बैलेंस बहुत ही सॉफ्ट रखते थे आलाप को डायलॉग बड़े हाई बजते थे जैसे कोई ड्रामेटिक सीन चल रहा है पीछे आलाप चल रहे हैं तो मुझे अपना आलाप सुनने के लिए टीवी का वॉल्यूम पूरा हंड्रेड परसेंट करना पड़ता था फिर जाके कहीं थोड़ा सा आलाप सुनाई देता था और डायलॉग तो इतने लाउड होते थे कि मोहल्ले वाले बोलते थे कि इतना लाउड करके ये टी क्यों सुनते हैं तो ये बहुत ही फनी मोमेंट होते थे और लेकिन बहुत एजुकेशनल चीज़ें हुई सीखने को बहुत कुछ मिला और कैसे आपको फिर टीवी से आपके बॉलीवुड के पहले सॉन्ग रब्बा में तो uh, जी uh, मौसम के लिए आप वहाँ से स्पॉट किसने करा जी मैं uh, और कुमार अच्छे दोस्त है। है कुमार हैं लिरिसिस्ट हैं कुमार जानते आप तो तो हमने हीज़ uh, uh, मतलब दो तीन साल पहले आ गए थे मुझसे वो बॉम्बे और मैं आया था नाइन्टी एट में तो बस वही है कि हम मिले और फिर uh, काम की बातें हंसी मज़ाक मस्ती ये सारी चीज़ें होती रही काफ़ी साल हमने बसों के धक्के खाए फिर हमने एक स्कूटी खरीदी फिर हमने एक छोटी कार खरीदी मतलब सेकेंड हैंड एक छोटी सी कार खरीदी तो हम साथ में घूमना करना फिरना तो वो आ, हर जगह जाते थे जहाँ पे राइटिंग की जरूरत हो और मैं भी हर जगह जहाँ सिंगिंग की लेकिन हम दोनों का एक ख़ास एक चीज़ थी हम दोनों में कि हम दोनों एक दूसरे को आ, प्रमोट करते रहते थे हर जगह जाके मैं बोलता था कि राइटर है लड़का बहुत अच्छा है वो बोलते थे एक लड़का, अच्छा। लड़का सिंगर है बहुत अच्छा तो ये काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को आज तक भी करते हैं फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया वर्बली कि अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खींच लूँगा तुम्हारा कुछ अच्छा हो गया तो तुम मुझे खींच लेना ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारा तो फाइनली कुमार को ब्रेक मिले और स्टार्टेड वर्किंग और उसने मुझे हर जगह कोशिश की पहुंचाने की और मैं तो अपना स्ट्रगल कर ही रहा था मैं पाँच सौ लोगों से मिल रहा था तो कुमार भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे प्रीतम दा से मिलवाया तो प्रीतम दा से मिलने के एक साल बाद यानी 2009 में मैं मिला फिर 2010 में प्रीतम दा ने मुझे मुझे कहा कि शाहिद एक गाना है आप गाओगे क्या मैंने कहा दादा मैं थोड़ा बिजी हूँ मैं बाद में गा सकता हूँ बोला क्या मैं क्या? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं इतना बिजी हूँ कि मैं कोई गाना नहीं गाऊँगा मैंने कहा तो मैं तो कब से एक साल से कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे सुने एटलीस्ट बैठ कर उन्होंने सुना भी नहीं था मुझे पर उनको इतना यकीन था कि कुमार ने बोला है कि अच्छा गाता है तो अच्छा ही गाता होगा तो उन्होंने मुझे ट्राई करने के बेस पे उस फिल्म के वो गाने एक गवाया एक गाना भेजा उन्होंने तो मैं इतना सुनाई दे रहा था मुझे कि पंकज कपूर की फिल्म है मुझे आगे कुछ पता नहीं था मुझे ये भी नहीं पता था कि ये स्क्रैचेज गवाए जा रहे हैं मुझे वो आइडिया नहीं था कि उसमें भी स्क्रैच स्क्रैच का एक ज़माना था तो वो वहाँ से कॉल आता है असिस्टेंट ने बोला सर वो पंकज जी ने बोला गाना पास हो गया है तो मैंने कहा पंकज जी पंकज कपूर की कौन सी फिल्म आ रही है ये मैं अपना अपने अपने हिसाब से ध्यान लगाना मैंने शुरू कर दिया तो मैं बहुत खुश था मैंने कहा मैंने किसी अच्छी फिल्म में गाया है पता नहीं कौन है इसमें एक्टर कौन है हीरोइन कौन है पता नहीं फिर पंकज जी ने मुझे अपना प्रीतम दा ने मुझे फिर से एक गाना गवाया फिर से एक गाना गवाया ऑलमोस्ट चार पांच गाने उस फिल्म के मुझसे गवा दिए फिर वो है कि बाद में दो गाने रहते हैं उस फिल्म में और मुझे पता चलता है कि वो पंकज कपूर जी की डायरेक्टर डेब्यू थी मौसम और फिर उसके गाने आए रब्बा मैं तो गया हुए, मौसम का वो गाना अपने आप में आपके लिए क्या आप मानते हैं वो, वो गेम चेंजर था वही गेम चेंजर था एक्चुअली क्योंकि एक जब दौर था जब एक कुड़ी और राधा जब ये सॉन्ग्स आए तब आप ऑलमोस्ट हर जगह पे थे पर आपके लिए गेम चेंजर हमेशा वही गाना रहेगा बिकॉज मेरा गेम तो अलग चल रहा था ना लाइफ में मैं कुछ भी नहीं था उस वक्त अभी भी मैं थोड़ा बहुत हूँ लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं था मतलब वो गाने ने जो पहचान मुझे दी उसके बाद ही फिर दूसरे गाने एड हुए मेरी लाइफ में जैसे कुड़ी दरिया शौक कुड़माई तो वो गाना अगर नहीं मिलता तो शायद और मैं अभी तक भटक रहा होता बट आश, शायद एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर आपने जैसे बोला कि पंकज जी ने प्रीतम दाना स्क्रैचेस गवाए कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत सारे गाने गाकर आते हैं लेकिन जब फिल्म का एक फाइनल आउटपुट आता है तो वो उनके गाने उनकी आवाज़ में नहीं होते और मैं ऐसे कितने सिंगर दोस्तों को मैं भी जानती हूँ कि जो जाते तो बहुत उत्साह के साथ हैं ऑडिशन देने और फिर गाने पर वो फिल्म के आउटपुट रिजल्ट में नहीं आते क्या आपने भी ऐसा कोई वक्त देखा बिल्कुल मैं तो अभी भी देख रहा हूँ चल ही रही है तो कोई ऐसा लगता कि को है कि कोई रिचुअल है ये स्वयंबर है जिसमें जो भारी धनुष को उठा लेगा और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग धनुष उठा के आते हैं पर पता नहीं कैसे ये सिलेक्ट करते हैं लेकिन रिसेंटली मुझे एक कंपोज़र है नाम नहीं लूँगा उन्होंने मुझसे कहा कि यार शायद यार आपका गाना नहीं है उसमें और मैंने कहा सर कोई बात नहीं सर आप हैं तो गाने गाने हैं ये मेरी जिंदगी का आखिरी गाना थोड़ी है तो बोला नहीं यार मेरा म्यूजिक लेबल से झगड़ा हो गया और ये हो गया वो हो गया एक्चुअली uh, वो जिस सिंगर से गुवाया उसके स्पॉटीफाइव uh, पे फॉलोअर्स ज़्यादा थे तो उसको गंवाना पड़ा तो मैं सोच रहा था कि यार जब मुझे आपने बुलाया था तब आपने चेक नहीं किया कि, कि किसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं ये तो बहुत ही यूज़लेस आंसर है कंपोजर को अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मेरा ये सिंगर गाएगा और यही गाएगा नहीं तो गाएगा ही नहीं जैसे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी कंपोज़र को अप्रोच करता है कि उसका म्यूज़िक वो बनाएंगे तो डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा म्यूज़िक यही बना सकता है प्रोड्यूसर को भी यकीन होता है कि मेरा म्यूजिक मेरा फिल्म का डायरेक्शन ये करेगा तो ये चेन है शुरू से आते हैं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सोचता है कि डायरेक्टर ये होना चाहिए डायरेक्टर सोचता है कि एक्टर ये होना चाहिए और डायरेक्टर ही सोचता है कि म्यूजिक डायरेक्टर ये होना चाहिए तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि सिंगर ये होना चाहिए तो उसका बिलीव अपने आर्टिस्ट के ऊपर हंड्रेड परसेंट होना चाहिए अगर हम फॉलोअर्स देखेंगे तो फिर फॉलोवर्स तो ऐसे बहुत सारे यूजलेस सिंगर्स हैं उनको भी गाफ उधारे गाने फिर जिनको सारेगा नहीं पता जिनको सरगम नहीं पता जिनको गायकी के बारे में कुछ नहीं पता उनके स्पोटिफाई फॉलोवर देख लो उनके सब्सक्राइबर देख लो आप तो, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देख लो फिर तो काचा बदाम वाले सिंगर को आप सारे गाने के भाई है उसको सब लोग जानते हैं मुझे इतना लोग नहीं जानते तो ये सोच ही गलत है और अपने कंपोज़र को अपने आर्टिस्ट पे यकीन होना चाहिए आप जिसको बुला रहे हो उसको गवाइए या फिर उसको बुलाओ मत सिंगर है ना जब गाना गाता है ना तो वो उस गाने को आ, गाता तो है ही निभाता तो है ही साथ में उस गाने को अपना बना के आता है और बिठा लेता है कि ये गाना मेरी आवाज़ में एक दिन आएगा लोग सुनेंगे और कहेंगे यार क्या गाया तुमने और वो गाना सालों साल जब तक फिल्म रिलीज़ होती है महीने छः महीने आठ महीने आजकल कल फिल्में छः महीने आठ महीने में आ जाती हैं तो वो एक साल तक समझ लो आप एक साल तक आप उसको संजो के रखते हो यार ये गाना मेरा आएगा और फिर आप सुनते हो किसी और की आवाज़ में तो ज़्यादती हो गई ये तो और कोई भी सिंगर उसको आके गाए हुए गाने को सुन के एक वर्जन की तरह गा देते जैसे हम किशोर कुमार साहब के गाने या रफ़ी साहब के गाने को कैसे सुन के गा देते हैं ऐसे ही हमारे लिए ईजी इसलिए क्योंकि वो गाया हुआ है वो निभाई भी कोई चीज़ है वो बनाया हुआ रास्ता है उस पर चलना बहुत आसान है एक नया रास्ता बनाना और लोगों को रास्ता दिखाना कि ये पगडंडी मैंने बनाई है भैया एक उजाड़ जंगल था ये इसको मैंने रास्ता बनाया कांटे तोड़े इसमें से एकदम तो पत्थर हटाए खड्डे भरे मैंने और उतार चढ़ाव को समतल किया और फिर अचानक से कोई सिंगर को आप डाल के बोलते हो कि हाँ भैया रास्ता है वहाँ पहुँच जाओ तो वो तो हंसते खेलते कूदते हुए वहाँ तक पहुँचेगा और लोग कहेंगे तो मेरा गाना एक था चन्ना मेरिया आज मैं इस चैनल के थ्रू बोलना चाहूँ चन्ना मेरिया वॉज इन माई वॉइस और ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं तो दो साल तक वो गाना मैंने देखा कि प्रीतम सर के स्टूडियो में वहीं पे है और फिर फाइनली जब मैं एक हफ्ते पहले तीन चार दिन पहले मुझे प्रीतम सर ने स्टूडियो बुलाया और हालांकि उन्होंने मुझसे जाहिर भी किया कि शायद रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज प्रोडक्शन को चाहिए था कि वो किसी और से गवाएं तो उन्होंने अर्जी से गवाया लेकिन वो दो साल तक गाने को जन्म देने वाले प्रीतम दा उसको जान देने वाला मैं लिखने वाले अमिताभ भट्टारे हालांकि वो सब चेंज नहीं हुए मैं ही चेंज हो गया दिल तो बहुत टूटा मेरा कहते दिल तड़क करके टूट गया तो आवाज़ भी नहीं आई तो वैसी वाली बात हो गई लेकिन हमें काम करना आगे काम करते रहना मैंने कहा चलो ठीक है यार मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था तो मैंने राहत साहब को साइड करके वो गाना गाया था रब्बा मैं तो मर गया हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है यही पॉलिसी है कोई किसी को निकालता है कोई किसी को भेजता है तो दिल टूटा क्योंकि दो साल तक वो गाना मेरे जहन में था मेरे कहा एक दिन रिलीज़ होगा और वो गाना मेरी वॉइस में आएगा लेकिन ठीक है इस हो बट ठीक है एक अच्छे सिंगर ने गाया मुझे इस बात की खुशी है कि उसे एक अच्छे सुरले सिंगर ने निभाया तो ज़्यादा दुख नहीं कोई और सिंगर गाता तो ज़्यादा दुख होता मुझे और हाल ही में बहुत सारे गाने ऐसे हुए हैं जो रीडअप हुए हैं और मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी आवाज़ इस लाइक है क्या कि मेरी आवाज़ को कोई रीडअप कर रहा तो कोई अच्छा सिंगर ही कर रहा है कोई वैसा सिंगर नहीं कर रहा जो मतलब मेरी समझ में नहीं आए तो मेरी मम्मी भी कहती है कि बेटा तुम्हारी आवाज़ तो है नहीं ऊपर तो वाले की आवाज़ है गाते रहो यूज़ होते रहो मिसयूज़ होते रहो लेकिन गाते रहो बंद मत हो तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है जब तक है जान ऊपर वाला जब तक गवा रहा है गाते रहो जब जब वो नहीं जाएगा तब तो हम कुछ भी नहीं गा पाएंगे एक सुर भी नहीं निकल पाएगा और मुझे खुशी है कि आई एम स्टिल वर्किंग प्रीतम सर वर्किंग विद प्रीतम सर अभी उनके साथ जो मेरा गाना था कुडमाई वो फिल्म फेयर तक आ गया तो इट्स रियली बिग थिंग तो प्रीतम सर पूरी कोशिश करते हैं कि मैं ही रहूँ उस गाने में पर समाइम्स प्रोडक्शन लेकिन इस बार प्रोडक्शन ने कहा कि कुड़मानी शायद का रहना चाहिए मतलब वो एक करण जोहर टू करण जोहर में आ रहा हूँ वापस तो शायद करण जोहर सर की टीम ने उस वक्त किसी एक बंदे ने बोला होगा नहीं सर हमें ये सिंगर चाहिए आज वही टीम बोलती कि नहीं सर हमें शायद मान चाहिए तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बट ठीक है कि शायद हमारी तैयारी में कुछ कमी पेशी होगी हो सकता है हमारे फॉलोवर्स कम हों कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा है शायद बहुत लोग बात नहीं करते आ, आ, हम हमेशा वर्क प्लेस कॉरपोरेट इन सब जगहों में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं लेकिन म्यूज़िक भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे लगता है कि वो बात कभी सामने नहीं आती कुछ आवाज़ें जो बहुत अरसे से गा रही होती हैं कुछ आवाज़ें जो लोग सुनना भी चाहते हैं लेकिन उनमें बहुत गैप आ जाता है आपके खुद के ही सारे गानों में मैं समझती हूँ कि कुछ कुछ सालों के बाद हमेशा एक पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग आप लेकर आए हैं और वो बहुत सालों तक चला है ये गैप वैसे कभी बॉदर करते हैं आपको एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आप कहीं और हो सकते थे अपने करियर में और आप जहाँ हैं देखिए एक देख, शोहरत की तो भूख कभी ख़त्म होती नहीं है शोहरत और पैसा की चीज़ें चीज़े हैं कि जितना आए उतना ही कम है लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से 2011 से मेरा करियर शुरू हुआ मौसम फिल्म से उसके बाद मेरे ब्रदर की दुल्हन फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्में आई लेकिन एक एक साल के अंतराल में मुझे अच्छे अच्छे गाने मिले वैसे मैं गाने तो डेली गाता हूँ लेकिन जिस हिसाब की फिल्में मैं कर रहा हूँ वो मतलब कुछ चालीस से पचास फिल्में ही मैंने करी है अभी तक तो आ, बीच में ऐसे सिंगर आ रहे हैं फिल्मों में जिनका मतलब गाने से कोई ताल्लुक नहीं है वो एक प्रोडक्शन बनाते हैं ओवरऑल एक अच्छा सा सुनने लायक कुछ एक गाना बना देते हैं फिर दूसरे गाने के लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हम जैसे सिंगर ऐसे हैं कि माशाल्लाह की स्टूडियो में गए आधे घंटे में गाना सीखा बीस मिनट में गा दिया और एक घंटे गाएँगे तो पता नहीं क्या होगा दो घंटे गाएंगे तो गाना कहाँ से कहाँ जाएगा लेकिन ऐसे सिंगर जो सात सात घंटे माइक पे खड़े हैं और फिर भी उनसे दस परसेंट भी कुछ निकल नहीं रहा है और कंपोज़र उनसे निकलवा रहे हैं कि टोन बहुत अच्छा है यार इसका इसका टोन इतना अच्छा है ना बस इसको मैं सिंगर बना दूँ ऐसे थोड़ी होता है यार सिंगर की एक तैयारी होती है टोन तो ठीक है बहुत सारे सिंगर हैं पाकिस्तान में भी अच्छे सिंगर हैं उनके टोन भी अच्छे हैं मैं तो बोलता हूँ बकरे की टोन भी बहुत अच्छी है उसको भी सिंगर बना दो टोन का क्या मतलब है एक रूहानियत होती है ऐसी रूहधारी होती है सीखे हुए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा स्थान दो उनको भूलो मत आप एक हिट के चक्कर में और पैसा बनाने के चक्कर में आप उन सिंगरों को चक्कर कटवाते हो अपने म्यूजिक लेवल के बार बार मैंने आपसे यह बात इसलिए पूछी क्योंकि हम एक ऑटो टोन और रीमेक और रीमिक्स के ज़माने में आ, हमारी जनरेशन जो शायद लास्ट में कहूँगी म्यूज़िक से फिर भी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थी और फिर हम आज के वक्त में एक आवाज़ ढूंढते हैं जो जिससे हम रिलेट कर सकें बट इन इन सारी चीज़ों के बीच में ऑटो ट्यून से लेकर रीमिक्स कल्चर के बीच में क्या हम अपनी सिंगर्स को पहचान पाते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा सिंगर्स तो जैसे आपने बोला हमें उनके नाम भी नहीं पता नाम इसलिए नहीं पता है अंकिता जी कि नाम डालते ही नहीं सिंगर का अभी आज ही मेरा गाना रिलीज हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे प्रोड्यूसर का नाम पहले है बीच में, में मेरा नाम है लास्ट में एक्टर का नाम भी नहीं है तो जो गाना सुनने वाला पहले तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये तीन सिंगरों ने गाया है ऑडियो में सिंगर्स का नाम डालो खाली और किसी का मत डालो ऑडियो वीडियो दोनों हैं तो सबसे पहले आप सिंगर्स का क्योंकि गाने का वीडियो है ना तो सबसे पहले सिंगर डालिए उसके बाद लिरिसिस्ट उसके बाद एक्टर्स उसके बाद डायरेक्टर डायरेक्टर का वीडियो आप तभी देखेंगे जब उसमें कुछ डायरेक्शन वाली कोई चीज़ हो आप गाने का वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्रेडिट प्रॉपरली दीजिए रिसेंटली मैंने वो कुछ लिरिसिस्ट का एक वीडियो देखा था रिसेंटली भी काफ़ी साल लॉकडाउन के बाद शायद कि हमें भी क्रेडिट दे दो यार उसमें अमिताभ बच्चन कौशल कौसर मुनिरवानंद किरकरे बहुत सारे राइटर्स लिरिसिस्ट। वैसे हम भी चाहते हैं कि एक वीडियो हम भी बना लें सिंगर्स लोग की यार हमें भी क्रेडिट दे दो यार मतलब तो आप लोग कौन है एक वीडियो को भी देख रहा मान लो मैं बनी तेरी राधा आप उसको वीडियो के नीचे क्रेडिट्स देखेंगे तो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा प्रीतम इम्तियाज़ अली इरशाद कामिल तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि शाहरुख अनुष्का के बाद में शायद इन्होंने गाना गाया होगा लास्ट में नीचे क्रेडिट्स आते हैं जहाँ पे वो सत्तर क्रेडिट्स होते हैं उसके बीच में सिंगर शाहिद मान लिया सुनिधि चौहान तो लोग मेनली तो कंफ्यूज इसलिए हैं कि सबको हीरो बनना है सबको लाइमलाइट में आना है कैसे भी करके हाँ सिंग और कुछ कम्पोज़र तो ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली बोला है कि वी यूज़ सिंगर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट वो कहावत थी कि सो साज और एक आवाज़ वो बात कहाँ चली गई जो मतलब सो साज पे एक भारी एक आवाज़ है तो बाय द वे मैं अच्छे गाने गा रहा हूँ और मुझे गाने बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और मैं सब लीडिंग कंपोजर्स के साथ काम कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ है कंपोज़र्स हैं जो बाकी सब कंपोज़र्स का नाम खराब कर रहे हैं और एक सिंगर इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कोई बोल निकल सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट कह सकता है कि शहनाई बजाते बजाते उसमें आई लव यू बोल सकता है नहीं ना शब्द तो एक ह्यूमन वोकल से ही निकलेगा ना तो ये धारणाएं है। इसलिए हैं क्योंकि वो कंपोजर्स हैं वो सितार वाले को भी बुलाते हैं वो शहनाई वाले को बुलाते हैं उनको पे कर देते हैं फिर एक सिंगर को भी बुला लो उससे भी एक वाले उसको पे कर दिया लाइक एन इंस्ट्रूमेंट नो 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 दिस इज़ वेरी रॉन्ग और जो ऐसा समझते हैं मैं शायद मैं उनके साथ काम ही नहीं करूँगा और मैं एक म्यूज़िक घराना चाहता हूँ मैं मीर आलम आलमसी हूँ ख़ानदानी म्यूजिशन हूँ और वो अलग बात है कि मैं बताता नहीं ये सारी चीज़ें खाली मुझे इतना है कि आजकल म्यूज़िक को बचाने का जिम्मा म्यूज़िक लेबल का है संगीत अच्छे को बचाने का ज़िम्मेदारी म्यूज़िक लेबल की है सबसे पहले जैसे एक राष्ट्रीय धरोहर को संभालने का काम किसका है भारत सरकार का है है ना जी तो कैसे संभालते हैं वो जैसे ताजमहल हो गया जैसे कुतुब मीनार है लाल किला है ये जैसे भी थोड़ा भी इनमें कुछ होता है तो इनको ये रीबिल्ड करते हैं और उनको संभाल के रखते हैं तो वैसे ही अगर कोई रागदारी में कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो कंपोज़र्स को और म्यूजिक लेबल को वो गाने रिलीज़ ही नहीं करने चाहिए जो प्रॉपर शुद्ध चीज़ें हैं अच्छी आवाज़ है वॉइस में कर्कश है जैसे किसी की वॉइस में आ जी जान, आ, आ, ये फॉल्स थिंग है लेकिन इसको स्टाइल बना दिया आज जाने की ज़िद ना करो क्लियर रखो वो इसको आ, ये क्या है व्हाट इज दिस वो इज क्रैक हो रही है बोलो दिस इज स्टाइल काय का स्टाइल है थकी हुई वॉइस है उसको रेस्ट कराओ मैं देख रहा हूँ म्यूजिक लेबल्स जिस तरह के गाने आ रहे हैं मतलब ठीक है वो एक जॉनर होना चाहिए लेकिन आप एक ऐसा भी कैटेगरी रखो जिसमें इन चीज़ों को साध के रखा जा सके संभाल के रखा जा सके जैसे घर में चीज़ें होती हैं एक आ, संभाल के रखने की एक जगह होती है आप सारी चीज़ें शोकेस में रखो लेकिन उसको भी तो संभाल कर रखो जैसे मेरे पास रफ़ी साहब का एक हारमोनियम है तो पापा ले आए थे उन उस वक्त तो मोहम्मद रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं पापा तो बोल कि उसाद जी मेरे पास हारमोनियम नहीं है रियाज करने के लिए तो उन्होंने कहा कि उसाद जी मेरे पास हारमोनियम नहीं है रियाज करने के लिए तो उनके पास दो तीन हारमोनियम पड़े थे वहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं जी आप एक हारमोनियम वो वाला लीजिए आप तो जी रफी साहब के घर से एक हारमोनियम हमारे घर पर आ गया तो मैं ये कह रहा था कि मैं आज भी उस हारमोनियम को बहुत ही प्यार से थोड़ा सा भी अगर सूर्य उधर उधर हिल गया उसका तो मैं उसको ट्यूनिंग करके रिपेयर करवा के मैं समझो के रख देता हूँ तो हमारे हिंदुस्तान में इतना रिच म्यूज़िक है चाहे वो किसी भी स्टेट का हो तो सबको वैसे वैसे प्रमोट करना चाहिए चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो जैसे बांसुरी है संतूर है सरोद है सितार है वीणा है क्लासिकल गायकियां हैं अलग अलग शैलियों में तो सबको प्रमोट करना चाहिए अगर आप अपने आप को म्यूज़िक लेबल कहते हो तो म्यूज़िक में तो सब आ गया ना है ना तो म्यूज़िक में खाली ऐसे नहीं कि पॉप सिंगर ही चलेगा इसमें खाली रैप ही चलेगा इसमें तो आइटम नंबर चलेंगे इसमें तो छेड़खानी वाले गाने छेड़खानी वाले गाने ठीक हैं अपने आप में सिचुएशनल हैं वो पर दैट इज नॉट म्यूज़िक म्यूजिक इज़ समथिंग एल्स तो आ, ये धरोहर है सांस्कृतिक इसको आपको संभालना आपका फ़र्ज़ है और आप जितने भी पुराने सिंगर्स हैं आज क्यों लोग उनको मानते हैं क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कम किया है टोटली ऐसा नहीं किया रहा यार इसको ऐसा ही कर देते हैं इसको ऐसा ही कर देते हैं हर ज़माने में बेवकूफियाँ हुई हैं ऐसा नहीं है बट इतनी बेवकूफियाँ पहले सौ में से एक परसेंट होती थी बेवकूफ़ी अब अब नाइन्टी नाइन परसेंट बेवकूफ़ी और एक परसेंट अच्छा काम हो रहा है मतलब ये क्या है बैलेंस ही नहीं है हर चीज़ का लोग वेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री कब स्टेबल स्टेबल होगी कब म्यूजिक का एक लेवल सेट होगा कि हाँ यहाँ पे कम से कम 20 साल ये म्यूजिक चला जैसे 90s का म्यूजिक मैं खैर छोटा था उस वक्त लेकिन मुझे लगता है कि वो दौर 20 साल तक जो चला उसके बाद 70s का 50, 60s का म्यूजिक तो वो स्टेबिलिटी थी म्यूजिक में जैसे 80s में बपीदा ने धूमी मचा दी थी तो वैसे गाने बज रहे थे वो दस साल अजीब ही थी मेरे हिसाब से उसमें कुछ ख़ास हुआ नहीं क्योंकि अस्सी और नब्बे के दशक के बीच में जो काम हुआ है मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट टाइम नहीं है वो उसमें किसी भी तरह का गाने आ रहे थे कुछ भी आ रहा था लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी तो थी कम से कम कि हाँ उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे और तो दूसरी बात ये कि ऑटो ट्यूनर लोगों को लगता है कि ये उपलब्धि है उनकी मतलब बहुत बड़ी एक आविष्कार कर लिया उन्होंने कल ही मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए गया तो उन्होंने उस स्केल में पूरा प्रिसेट करके रखा हुआ था ऑडोटून के स्केल्स वगैरह मैंने एक लाइन रिहर्सल के लिए गाई और उन्होंने प्ले कर दी मुझे लगा ये तो सुर में आ गई यार ये तो लाइन में मैंने कहा लेंगे ना बोला आ गया सर ये तो आ गया नहीं कि पहले तो ऑडोटून बंद करो ये <laughs> ये कैसे कैसे आ गया क्योंकि वो इस तरीके से माइंड आजकल तैयार हो रहा है सबका कि एक लाइन उसको ऑटो ऑटोट्यून कर देंगे हम रिसेंटली टोनी कक्कर मी फॉर सम को एंड ऑल तो ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन बट अगेन वही ऑटोट्यून उन्होंने मेरी वॉइस में लगा दिया मैंने कहा ब्रो, ब्रो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो रेसल ही कर रहा था अभी ब्रो हो गई तो लाइन हो गई है <laughs> मैंने कहा भाई कोई बात बट मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा कभी कर अच्छा कुछ करेंगे तो शायद एक आपने बहुत पहले शायद कहीं पर यह बात कही थी तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि अब भी उस बात पे uh, कायम है कि एक दौर था जब हमारे देश में रियलिटी शो से बहुत उम्दा सिंगर्स निकलते थे हमने बहुत बेहतरीन सिंगर्स भी देखे हैं कुछ जिनमें से एक uh, शेय घोषाल जो मेरे लिए हमेशा एक प्राइम एग्ज़ाम्पल रहेंगी uh, रियालिटी शो से ही uh, वो निकली हैं लेकिन आज के दौर में जितने रियलिटी शोज़ हैं और जितने सिंगर्स हैं वो कब आते हैं और वो कब जाते हैं वो तो हम ऑडियंस को भी नहीं पता अब आप, आप आज भी उस बात पर कायम है कि ये एक सही तरीका नहीं है आ, एक सिंगर को ढूंढने का आ, बिल्कुल सही आपने समझा इस बात को मेरा ये कहना है कि उस समय रियलिटी शोज़ होते थे तो एक पॉसिबिलिटी लगती थी कि यार यहाँ जाएंगे तो लोगों तक तो हमारी आवाज़ पहुँचेगी और मैं आपको बता दूं कि मैं चार साल तक मैं खुद इन रियलिटी शोज के चक्कर में गया हूँ फिर ऐसा वक्त भी आया कि मैं उन शोज में जज बन के जा रहा हूँ गेस्ट जज बन के जा रहा हूँ तो जितने भी लोग बने हैं विनर्स जो हैं विनर्स वो आई थिंक कोई भी आ, ऐसा कोई भी बड़ा गाना नहीं गा रहे फिल्म का हाँ जो थर्ड सेकंड आए वो शायद कुछ कर रहे हैं राइट right? तो दूसरा मेरा ये कहना है कि आप जैसे सिंगर ऑफ इंडिया मतलब ढूंढ रहे हो हर साल आप क्यों करते हो ये पूरा? आपको इतना हंट करने के बाद अगर कोई सिंगर मिल जाता है और आप उसको खिताब देते हो द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया इस काइंड ऑफ ऐसे होता है ना शूज वॉइस ऑफ इंडिया इंडियन आइडल सारे गा तो आपको तो एक सिंगर मिल गया है तो आप हर बार क्यों ढूंढते हैं उसको अगले साल वो सिंगर क्या एक्सपायर एक्सपायरी डेट हो जाती है उसकी उसकी आवाज़ ख़राब हो जाती है तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई सिंगर मिल गया है तो आप उसको कम से कम दस साल का करियर दीजिए लाइफ में उसके बाद दूसरा सिंगर ढूंढिए हर साल ये तो आपका फ़ायदा हो रहा है ये तो मतलब एक बिजनेस टाइप कर दिया है मानता हूं कि आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो लेकिन आप खिताब मत दो किसी को कि दिस इज ये सिंगर का बेस्ट इंडिया का बेस्ट सिंगर आप yes. आप हंट करिए और पचास सिंगर निकालिए एक साथ कि बेस्ट वॉइस ऑफ इंडिया ऑफ दिस ईयर अब उन पचास लोगों को लोगों तक तो पहुंचाइए शोज करवाइए उनसे गाने गवाइए फिल्मों में बट बेस्ट सिंगर आपको दस साल में एक ही चूज करना चाहिए तो बेसिकली हम अपना म्यूजिक कमर्शियल करने के सक्सेस में उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली इतने विनर्स हैं बेचारे मुझे मिलते हैं पाजी यार साढ़ेली कुछ करो ब्रदर हमारे लिए कुछ करिए प्लीज मैंने कहा मैं खुद तो कर लूँ पहले अपने लिए आप ऐसे तो नहीं कह सकते मैं उस बात के लिए नहीं, लेकिन नहीं नहीं मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं ये मैं अपने मुंह से क्या बोलूं मैं बहुत सारे दोस्त आप कभी सुनेंगे किसी से के मुंह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ये नहीं देखता कि ये मेल सिंगर है ये फीमेल सिंगर है या कौन है अच्छा वॉइस है तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि प्लीज़ यार इनको सुनिए इनसे भी गंवाइए क्योंकि मैं अपने मुकद्दर पे अपनी मेहनत पे यकीन करता हूँ कि मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे उतना ही मिलेगा तो मुझे दूसरे के मुकद्दर से क्या प्रॉब्लम है शायद अगर आपको आज आप इस मुकाम पे हैं जहाँ पे आपके गाने लोग जानते हैं लोग आपको पहचानते हैं तो एक जिम्मेदार म्यूज़िशियन होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूँ कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने आसपास के माहौल में अगर बदलने का मौका मिले आप ऐसी क्या चीज़ें जो सही करना चाहेंगे क्योंकि कोई माने ना माने फिल्मों का चलन बदलेगा आएगा जाएगा लेकिन म्यूज़िक हमारी फिल्मों की बहुत ही एक सुगढ़ पहचान जैसी है उसको तुम मुझसे ले नहीं सकते चाहे आप उसे बैकग्राउंड में फिक्स कर दो या उसकी एल्बम निकाल दो गाने तो गाने और हमसे ज़्यादा अच्छा शायद मुझे कोई बनाता भी नहीं हो जी पर अगर आपके पास वो जिम्मेदारी हो कोई एक चीज़ फिक्स करने की इस म्यूज़िक के स्फेयर में आप क्या करना चाहेंगे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिलेबस में म्यूज़िक डालूंगा कंपलसरी सुनने वालों के लिए जैसे आजकल हर सिलेबस में इंग्लिश कंपलसरी होती है जैसे आप साउथ में जाएंगे तो आपको तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है हर घर में म्यूजिशन है ऑलमोस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है कोई गाता है कोई डांसर है कोई कुछ है तो पूरे अपने हिंदुस्तान में ही ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो म्यूज़िक की समझ होनी चाहिए और खैर 20 साल में तो वैसे बेड़ा गर्क हो गया इंटरनेट की वजह से लोग स्टेबल ही नहीं है लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए पहले सीडिक कैसेट किसी के घर पर बचता था तो लोग बोरो करके जाते थे कि यार देना हम सुन के वापस कर देंगे आजकल किसी को जरूरत नहीं है लोग किस तरह का एंटरटेनमेंट देख रहे हैं सुन रहे हैं लोग अनस्टेबल हो चुके हैं सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं होता कुछ है हो कुछ जाता है तो चार चार स्टेट ऑफ माइंड में फोर चार पर्सनालिटीज़ एक आदमी के अंदर हैं वो टीवी वी चला के लैपटॉप खोल लेते हैं और हाथ में मोबाइल होता है ये तीन चीज़ें तो आप इधर ही देख लीजिए तो ऐसे में म्यूजिक तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है इसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा वो ब्रूसली कहते हैं ना कि बी लाइक वाटर माई फ्रेंड कप में जाओ तो कप बन जाओ ट्रे में जाओ तो ट्रे बन जाओ बॉटल में जाओ तो बॉटल तो बन जाओ तो म्यूजिक को सुनने के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा दिमाग में इतनी चीज़ें भर रखी हैं आपके अंदर ही नहीं आप पंद्रह सेकंड की रील देख रहे हो तो वो भी आप कैसे देख रहे हो आई डोंट नो स्क्रोलिंग 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 आपको पता ही नहीं किसने कितनी मेहनत करी है किसने क्या किया है और आप एक अलग ही वर्ल्ड बना रहे हो जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक का नहीं है अच्छा म्यूज़िक बहुत कुछ अजीब होने वाला है आज हम एक मिनट की रील से थर्टी सेकेंड पर आ गए फिर फिफ्टीन सेकेंड में कल एक सेकेंड का हो इतना करके ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो म्यूज़िक सुनने वाले लोग भी हैं लेकिन वो लोग कौन हैं मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन के लोग ही होंगे मैं तो बच्चों को नहीं देखता किसी को रोड पे घूमते हुए हेडफोन लगा के कोई अच्छा गाना सुनते हुए वे. और वेस्टर्न क्यों सुन रहे हैं आँ? आप हैं इंडिया में आप सुन रहे वेस्टर्न म्यूज़िक आप हैं इंडिया में आप बोल रहे हैं इंग्लिश आप हैं इंडिया में आप खा रहे हैं बर्गर्स तो आप इंडिया में हैं क्यों मुझे लगता है कि इनका सबका पासपोर्ट बन जाए ना इंडिया वालों का तो ये इंडिया छोड़ के भाग जाए सब लोग वीज़ा लग जाए ना तो इंडिया ये रातों रात छोड़ दें सब लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्न बनना चाहते हैं लोग हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं रहा हिंदुस्तान को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा हिंदुस्तान के म्यूज़िक को नहीं समझ रहा है यहाँ के इमोशंस को नहीं समझ रहा सब लोग वेस्टर्न होना चाहते हैं वाई इतना अच्छा म्यूज़िक है इतनी अच्छी चीज़ें हैं इतना अच्छा खाना हेल्दी लोग यहाँ से आके योगा सीख रहे हैं लोग यहाँ के म्यूज़िक सीख रहे हैं लोग यहाँ की इंसानियत को समझना चाहते हैं यहाँ के इतिहास को जानना चाहते हैं खैर मैं बहुत लंबा लगे इस टॉपिक को आपने कहा कि मैं क्या चीज़ चेंज करूँगा तो मैं ये चीज़ चेंज करूँगा कि एक कंपलसरी क्लास होनी चाहिए जो भी स्टडी करता है उसमें कंपलसरी म्यूज़िक की क्लास होनी चाहिए मुझे लगता है उसके बाद सब चेंज हो जाएगा क्योंकि एक सबकॉन्शियस में सबको एक रहेगा कि हाँ ये म्यूज़िक सही है हाँ ये ये रॉन्ग नंबर है वो पीके वाली स्टोरी है ना ये गलत गा रहा है ये पता होना चाहिए उनके सिलेबस में म्यूजिक का एक लेसन होना चाहिए लास्टली शायद बिफोर मैं आपसे आवाज में कुछ सुनना जरूर चाहूंगी लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएं जी थोड़ा हल्का फुल्का सवाल जी इतने बेहतरीन गाने आपने गाए हैं और हम कुछ अच्छे गाने आज भी कभी कभार अच्छे सुनते हैं पर कोई ऐसा गाना ऑफ लेट रिसेंट पास में गया हो जो आपको लगा हो कि आप भी वो गा सकते थे क्योंकि हम इस बारे में बात कर सकें कि लोग कैसे आप ही के एक कोर्स पे बनाए हुए गाने भी गा चुके हैं लेकिन अगर आपको किसी का कोई गाना उठा के फिर से कभी रिक्रिएट करना हो तो आप किसका करेंगे सोनू जी का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं उनको अपना उस्ताद ही मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनके गाने में गा तो नहीं सकता लेकिन मुझे वैसे गाने मिले तो कितना अच्छा मैं कोशिश कर सकता हूँ आप मुझे फिर मैंने आपसे दो गाने सुनने थे तो एक तो मैं आज आपसे सोनू निगम जी का आप ही का एक फेवरेट गाना सुनूंगी और एक मैं आपका फेवरेट गाना सुनूंगी एंड में अच्छा है। तो आप पहले मुझे एक सोनू निगम का अपना फेवरेट गाना जरूर सुनाए सोनू जी के सारे गाने फेवरेट है मुझे, मुझे मेरे और आ, आ, एक गाना की पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए सुनाऊ जरूर सर सोनू जी गुस्ताखी माफ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका गाना Hmm, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रबा मैनू प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया संघर्ष <laughs> मुझे याद है बहुत ही खूबसूरत सोनू जी सारे गाने ऐसे चाहे आप अग्निपथ का ले लो अभी मुझ में कहीं प्लीज मैं मैं आपको उसके लिए रिक्वेस्ट कर देती हूँ तो गाना पर्सनली फेवरेट है hmm, hmm, hmm. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी थड़कम नहीं जाना जिंदा हूं मैं तो अभी कुछ ऐसे लगन इस लम्हे मैं है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूँ ज़रा मर जाऊँ या जीलूँ जरा खुशियाँ चूम लूँ या जो ज़रा मर जाऊँ या जेलूँ जरा आप अपना फेवरेट गाना सुनाएंगे मुझे कोई मेरे फेवरेट गाने तो रफी साहब के गाने मेरे फेवरेट आप हैं आपका अपना आप मेरा अपना तो मैंने कोई ऐसा गाना गाया नहीं है आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं <laughs> आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैं वेट कर रहा हूं उस गाने का जो <clears throat> मेरे हिसाब से अगर मैं अगर आपका मुझे अपने टॉप 3 पिक करने हो आपके लिए तो दरिया वुड बी वन रब्बा मैं तो मर गया एंड नहीं मुझे उससे भी ज्यादा शौक पसंद है आपको शौक जी 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 बिल्कुल 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 मतलब तो मतलब तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो वो गाना बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। अमित कमाल है। हर तरह के गाने हैं मुझसे और आप अपना फेवरेट चलिए मैं इस, इस सेगमेंट को आपके फेवरेट गाने से मेरा फेवरेट करने। गाना। करने फेवरेट। हम करेक्ट करते हैं फेवरेट गाना अभी उनका पसंदीदा शौक सुधार वैसे तो पहला गाना हमेशा फेवरेट होता है जिस गाने की वजह से आपको बहुत जगह मिलती है तो रब्बा हमेशा मेरा फेवरेट रहा है बट मैं आपको शौक सुनाऊंगा तो आप हमें रब्बा सुना दीजिए पर करंट फेवरेट का आपने तो मैंने कहा नहीं जब तक आपको अपना <laughs> फेवरेट दो ने, फेवरेट ने, नहीं गाना नहीं, नहीं मिलता हाँ जी जी कह करके ठीक है तो विल डू अ मेडली हम मेडली लेकर पूछ-पूछा मना नहीं करेंगे अच्छे गानों को मेडली गाते हैं ठीक है जी कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओ और अब्बा मैं तो मर गया ओ शदाई मुझे कर गया कर गया ओ और अब्बा मैं तो मर गया ओ शदाई मुझे कर गया कर गया ओ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा जरा थैंक यू सो मच मुझे इससे अच्छा अपना एंड नोट नहीं मिल सकता था इतना सुरीला एंड नोट नहीं मिल सकता था बट थैंक यू शायद सर आई होप जब मैं आपसे इसके बाद नेक्स्ट कभी मिलूँ तो हम और नए गानों के बारे में बात कर सकें और उम्दा म्यूज़िक के बारे में बात कर सकें एंड आई होप जो आपका विजन है संगीत को लेकर जिस प्योरिटी से आप उस विजन को देख रहे हैं वो ज़रूर रियलाइज़ हो क्योंकि हम Thank जैसे you. कुछ अभी भी लोग हैं जो गाना सुनना हमारे लिए हमेशा पसंदीदा रहेगा और हिंदी गाने सुनना हमेशा पसंदीदा यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए थैंक यू सलाम अरा मैं हूँ शाहिद माल्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल